तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। आज पता है ऐसा लग रहा है जैसे दूर से चांद को देखते हो और आज चांद पे जाने का मौका मिल गया। हमेशा से सुना था इतना बड़ा ग्रुप है और जैसे सचिन तेंदुलकर को चौके छक्के लगाने आते हैं, क्योंकि मोदी जी समीर मोदी जी को भी सब कुछ आता है और आज उनकी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बन करके आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ये 25 टॉप अर्नर्स आए हैं, हम कई बार टॉप अचीवर्स मिले हैं, पर आज इस काउंसिल की खास बात यह है कि ये सारे के सारे 25 टॉप अचीवर्स करोड़पति हैं। सब पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ भी कमा रहे हैं, बाहर भी कमा रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आई एम फीलिंग ऑनर्ड, हम्बल, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हर किसी का शुक्रिया जो मोदी केयर के साथ सपने देखता है, हर किसी का शुक्रिया जो मोदी केयर के सपने पूरे करने में हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सी यू सून। वेलकम वेलकम सुरेखा जी। वेलकम। थैंक यू संजय, थैंक यू अनिल जी। वाओ अमेजिंग, तुम लोगों को सुनकर के पूरे गूजबम्स आ गए हैं और इतनी थ्रिल्ड हूँ। कल लीना मुझसे पूछ रही थी कि सुरेखा जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो। अब उनको क्या बताऊं, बस मेरी एनर्जी तो आप ही लोग तो हो। मैं हर सेशन में बैठी होती हूँ, शुरू से लेके आखिर तक आप लोगों को सुन रही होती हूँ। 21 दिन में किसी और पर क्या असर हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैं सबसे ज्यादा चार्ज्ड हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। और आप लोगों ने ना कुर्सी पर बैठने नहीं दिया पूरे 21 दिन। हम ऐसा लगता था बस अब ये बंद करो, जाके एक्शन करें कुछ, मतलब बस। इट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। फिलिप, आप मोदी केयर की हमेशा से बहुत बड़ी एसेट रहे हो, पिलर रहे हो मोदी केयर की ग्रेट सक्सेस पे। आपने संजय जी को इस बिजनेस में लाए, तब पता नहीं था शायद कि ये क्या करने वाले हैं। ये अनिल गावड़े जी को लाए, तब भी शायद नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पर जो बिल्कुल ठीक आपने कह दिया फिलिप कि हम इंडिपेंडेंट से लेकर के जो ये इंटरडिपेंडेंट का जो जर्नी हमने तय करी है, उस जर्नी ने देखो कितना खूबसूरत समा बांध दिया है, कितना खूबसूरत माहौल बनाने के साथ साथ इतना खूबसूरत टूल प्रोसेस हमें हाथ में दे दिया है। अब सक्सेस बाय चांस नहीं है, अब सक्सेस बाय चॉइस है। इट्स 100% प्रिडिक्टेबल, इट्स 100% गारंटेड। एक ऐसा टूट बंधन, एक ऐसा टीम वर्क हम कर रहे हैं कि बस इसकी अभी शुरुआत हुई है और अगले 9 महीने में इतने सारे कमांडो सारे हिंदुस्तान में पैदा होंगे। मेरा पूरा पूरा मतलब मुझे पक्का गारंटेड पता है कि वर्ल्ड की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अगर उठा लिया जाएगा तो उससे ज्यादा ग्रेट लीडर मोदी केयर के पास होंगे। हम सिर्फ 9 महीने दूर हैं हमारे सारे रिकॉर्ड्स, खुद के भी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए। जोरदार तालियां मैं आप सबके लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और आज मैं ज्यादा और कुछ कहने नहीं आई हूँ, आज शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जैसे कि मेरी वीडियो में भी दिखाया गया कि हर उस व्यक्ति का जो मोदी केयर के साथ जुड़ा है, जो मोदी केयर के साथ सपने देखता है और जो एक दूसरे के सपने पूरे करने में मदद करता है, हर उस व्यक्ति को मैं आज सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी और फिर भी माफी चाहूंगी अगर किसी का नाम मैं छोड़ दूं, छूट जाए, तो इंटेंशन मेरी यही है कि हर किसी व्यक्ति ने जिसने इस कमांडो ट्रेनिंग में, जिसने पिछले 21 दिनों को मेमोरेबल बना दिया, इतना स्ट्रांग मैसेज सारे हिंदुस्तान को दे दिया कि कोई भी कर सकता है। वो एक मूवी है ना एनीबॉडी कैन डांस, एक बुक है ना एनीबॉडी कैन कुक, इस 20 डेज कमांडो ट्रेनिंग ने सिखा दिया एनीबॉडी कैन सक्सीड, एनीबॉडी कैन डू इट। ये किस किस ने किया है, नो डाउट समीर मोदी जी का शुक्रिया तो सबसे पहले है, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, समीर मोदी आजादी प्लान आया, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट आए, सारे के सारे पीस को उन्होंने चारों ओर से बिजनेस को घेर लिया, तो जो सक्सेस स्टोरीज बनने लगी वहां से हमारे हौसले बुलंद होने लगे। तो सबसे पहला शुक्रिया समीर मोदी जी का, पूरी की पूरी मैनेजमेंट का, जिसने स्ट्रेटेजीज बनाई, पुल एंड पुश बनाया, चाहे वो एक्स्ट्रा पीवी आया, चाहे वो MBL आया, हर वो चीज जो जिस वक्त जरूरी थी वो मोदी केयर मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। तो सबसे पहला शुक्रिया डेफिनेटली समीर सर और मोदी केयर ड्रीम टीम का है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी ऑफ कोर्स नीना फिलिप, संजय बगारिया जी, जिन्होंने जो इस टीम के सूत्रधार हैं, जिनके जिनसे शुरू हुई है गंगा बहनी। फिर मैं अनिल गावड़े जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अनिल जी आपकी कंसिस्टेंसी को सलाम है, आपने बिल्कुल कल ठीक कहा था। थैंक यू सर।
कल मैंने, मेरे को पता था आज मेरे पास 10 ही मिनट होंगे, 10-15 मिनट होंगे, तो मैंने कल एक पूरा 1 घंटे का सेशन कमांडो ट्रेनिंग पे कर दिया था शाम को 6:30 बजे। उसमें पीपीटी बना करके बताया था कि कमांडो ट्रेनिंग ने हमें क्या क्या सिखाया है। आप डेफिनेटली वो वीडियो सुरेखा भार्गव वेब पेज पे देख सकते हैं, जिससे कि कमांडो ट्रेनिंग हमें कैसे करनी है वो सीखने का मौका मिलेगा। हमने पूरा नेक्स्ट 60 डेज का प्लान उसमें बनाया है और हम आपको वक्त वक्त पे अगले 1-2 दिन में अपडेट करते रहेंगे कैसे अब इस कमांडो ट्रेनिंग का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। इस पे हम काफी बात कर चुके हैं। आज मौके का फायदा उठाते हुए रोशनी एंड संदीप अरोड़ा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। रोशनी जैसे ही स्क्रीन पर आई और रोशनी ने आकर के जब शुरू किया, उन्होंने अपनी 15 महीने की जर्नी जो बताई ना, एक्चुअली सारा हिंदुस्तान उस मोमेंट में उठ के खड़ा हो गया था। छोटी सी दिखती है, जितनी इनकी एज है उससे बहुत कम दिखती हैं, और फिर इतना बड़ा सारा एक्सपीरियंस, 18 साल का जॉब का एक्सपीरियंस, और फिर मोदी केयर का 18 महीने का एक्सपीरियंस, और जब वो बोलना शुरू हुई तो सारे हिंदुस्तान में ना एक उत्साह की लहर दौड़ गई कि कुछ भी किया जा सकता है, और फिर बस सिलसिला बनता चला गया। आशा जी, हरीश सुवर्णा जी, हमारी संगीता जी, प्रथमेश विश्वकर्मा जी, लैला जी, अशोक जी, हमारे बहुत सारे जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं किसी का नाम हो सकता है छूट जाए, मैंने अभी बहुत सारे, हमने जो मदर्स डे किया था उसमें तो इतने छोटे छोटे बच्चों ने हमको मात दे दी थी। उस दिन ऐसा लगा था जैसे हम किस बात पे अकड़ते हैं, हमने अभी सीखा क्या है, सीखना तो इन बच्चों से है हमें। तो मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, पर हाँ कुछ लीडर्स का जिन्होंने मुझे पता है बहुत कंट्रीब्यूट किया है, मैं नाम लेना चाहूंगी। कविता जी का, शिवाजी जी का, श्वेता जी का, हितेश जी का, चैताली जी का, महेश जी का, सचिन सालवे जी, उषा जी, संजय अरोरा जी, प्रतीक जी, भूमि जी, नूरजहां जी, रूपम झा जी, राजेश खावसे जी का मैं स्पेशल नाम लेना चाहूंगी। और राजेश खावसे जी खाली इन 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग में लीप पर ही नहीं आए बीबीएस करने के लिए, मुझे पता चला है अनिल गावड़े जी और राजेश खावसे जी दोनों मिलकर के बहुत काम करते हैं, एंड दैट्स अगेन प्रूव्ड कि जो हम इंटरडिपेंडेंट जब हम हो जाते हैं, जब हम अटूट बंधन का सहारा लेते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद लेके एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों सक्सेस वही मिलती है जो हमें मिली है। मैं अनिकेत गावड़े जी का नाम लेना नहीं भूलूंगी। मुझे पता है इस समय जो जितना भी कुछ हमें सामने दिखता है उसके पीछे वो बतख के नीचे जो पैर चलते हैं ना, वो पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। मैं अनिकेत गावड़े जी और जितने भी टेक्निकल मास्टर्स बैठे हैं हर घर में, मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा है, आप अनिल जी के पीछे उनका बेटा बैठा है, हर किसी के पीछे कोई ना कोई बैठा है, मैं हर उस टेक्निकल मास्टर का, हर उस घर में जो आपको मोटिवेट करता है, घर में जो आपका हौसला अफजाई करता है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और फिर बारी आती है जो इन कमांडो ट्रेनिंग्स में जिन्होंने हमें इवेंट की शुरुआत सक्सेस स्टोरी से करी। मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला था कि मुझे 42 सक्सेस स्टोरी चाहिए, 21 सक्सेस स्टोरी 1 लाख कमाने वाली, 21 सक्सेस स्टोरीज 5 लाख कमाने वाली, और विद इन 10-15 मिनट्स 21 और 21 42 सक्सेस स्टोरीज का मैसेज मेरे पास आ गया था कि हाँ हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। दोस्तों मैं बता नहीं सकती हाउ ब्लेस्ड आई फील। जब इस तरह से आप आगे खड़े हो जाते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे बस माता रानी आगे पीछे चल रही है। लेट मी टेल यू, बहुत एनर्जी देता है, कुछ भी कर गुजरने का हौसला बन जाता है जब आप लोग इस तरीके से वॉलंटियर करते हो लीप प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लोग जब कहते हैं ना सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म, सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये न्याय नहीं है इस प्लेटफॉर्म के नाम के साथ। ये सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने सिर्फ कोई नाम दे दिया था उसको। प्लेटफॉर्म तो आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की ताकत से बनाया है, आप लोगों के सपनों से बना हुआ प्लेटफॉर्म है। इसे सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म कहना बंद कर दीजिए। मैं उस दिन जीतूंगी जिस दिन ये प्लेटफॉर्म सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा प्लेटफॉर्म डेफिनेटली नहीं है। मैं नाम लेना चाहूंगी अजय मलिक जी का, पल्लवी कौशिक जी का, पवित्रा जी का, उन्नति मिश्री जी का, पारुल गुप्ता जी का, सुदीप्ता चटर्जी जी का, नवनीत कौर बेन जी का, रंजना सुयाल जी का, जगन नागराजा जी का, सबीर अली जी का, मनीला चड्डा जी का, कबीर शाह जी का, नरेंद्र चौहान जी का, हरीश दुरेजा जी का, मिथिलेश झा जी का, दिलीप साहू जी का, सबिया तस्नीम जी का, लवीन शुक्ला जी का, प्रिया शर्मा जी का, जिया हाशमी जी का, दीपक खरकवाल जी का। ये 1 लाख रुपए वाले वो अर्नर है जो 1 मिनट के लिए आते थे, जिनकी कहीं कोई फोटोग्राफ नहीं होती थी, जिनको कहीं कोई हाईलाइट, देखो ये सब लाख रुपए आप महीना मिनिमम कमाते हैं, ये अपनी ईगो रख सकते हैं, नहीं जी हमारे को तो जब स्टार अचीवर की तरह, परफॉर्मर की तरह बुलाओगे तब आएंगे। किसी ने कोई ईगो नहीं रखी, सब एज ए टीम, वो ना एक एक कहते हैं ना, वो कतरा जो है वो इसको ग्लोरीफाई करा है, और इन लोगों ने वो एक एक मिनट के, अपने 2-2 मिनट के टेस्टिमोनियल और स्टार्ट के साथ इन कमांडो ट्रेनिंग की शोभा बढ़ाई। मैं जोरदार तालियां हमारे इन एमसीज के लिए बजाना चाहूंगी, और फिर हमारे स्टार परफॉर्मर्स। दोस्तों 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाने वाला इंसान, 40 लाख कमाने वाला इंसान आया बिना अपनी फोटोग्राफ के, बिना अपना नाम मैसेज पे देखे हुए,
वो खुद के लिए नहीं आए थे, वो दूसरों के लिए आए थे। और ऐसे अचीवर्स आए, 5 मिनट बोला, 7 मिनट बोला, बहुत कुछ सिखाया, हमारा रोआ रोआ बिल्कुल खड़ा कर गए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग पर इतना भरोसा दिला गए। मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहूंगी हमारे मनीष एंड अशला त्रिपाठी जी का, संजय बगारिया जी का, प्रमोद आचार्य जी का, किशोर कुमार जी का, अग्नि जितेंद्र परमार जी का, निशा गुप्ता जी का, ममता अभिषेक जी का, हर्षिता अरोड़ा जी का, अमित अनुप्रिया सिन्हा जी का, रंजीत सिंह आलूक जी का, डॉक्टर शक्ति कुमार जी का, उत्तम प्रकाश गुप्ता जी का, राघवेंद्र शेट्टी जी का, सुधीर कुमार प्रधान जी का, फाल्गुनी त्रिवेदी जी का, शिवेंद्र कुमार जी का, मुनीश चोपड़ा जी का, गोपाल चंद्र साहू जी का, तपन दास जी का, एंड नीना जी एंड डॉक्टर फिलिप जी का, एंड बहुत सारे लोग हैं जो इन सब के पीछे खड़े हैं। जिसके पीछे इतनी बड़ी ताकत हो उसका सक्सेसफुल होना तो बनता ही है, वही हुआ जो होना था। और जोरदार तालियां सारे के सारे प्रेजेंटर्स के लिए। देखिए देखिए कितनी सारी कड़ियां, और इन सारी कड़ियों को जोड़ने में डेफिनेटली हमें मदद करी है सिमी मल्होत्रा जी ने। मैं सिमी मल्होत्रा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाना चाहूंगी, जिन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेट किया है। दोस्तों, आप सबका, हम सबका एक अपलाइन है निशान भार्गव। मैं आज आपको निशान भार्गव की बनाई हुई 2 स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी कल की मीटिंग अटेंड नहीं करी है तो प्लीज फेसबुक पर जाइए, कल का प्रेजेंटेशन अटेंड कीजिए। हमने कमांडो ट्रेनिंग कर ली, अब हम कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप करने जा रहे हैं, जिससे कि 9 महीने कमांडो ट्रेनिंग करके अनिल गावड़े जी एंड टीम यहाँ पहुंचे हैं। 9 महीने हम ऐसी कमांडो ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि लाखों कमांडोज क्रिएट हो जाएं। लाखों कमांडोज क्रिएट करने के इरादे से, बिलीव मी, मैंने जो कहा है ना कि मुझे 2000 कपल चाहिए, 100 कपल चाहिए आजादी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। आप लोग इतने लोग सक्सेसफुल होकर के आ जाओगे कि मेरे लिए अकोमोडेट करना मुश्किल होगा। हाँ, एक न्यूज मैं जरूर दे रही हूँ, कोरोना के चलते जो फंक्शन हम 23 दिसंबर को करने वाले थे वो हम 23 मार्च को करेंगे। तो आप सबके पास 2 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को मिल गया है, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल गया है, और उसमें ये 9 महीने पूरे पूरे आपके पास होंगे। इन 9 महीनों में हम कमांडो ट्रेनिंग का ऐसा जलवा बिखेरने वाले हैं कि बस हर कोई सक्सेसफुल होता चला जाएगा। कल एक हम ब्रेक लेंगे 11 बजे, परसों से हम हमारे अगले सेशन शुरू कर रहे हैं। अगर किसी ने कल की मीटिंग मिस करी हो तो मैं बता दूं, हम शुरुआत कर रहे हैं जूम होम मीटिंग से। दोस्तों, कितना भी मोटिवेशन हो, कितनी भी पर्सनल ग्रोथ हो रही हो, उस पर्सनल ग्रोथ को अगर प्रोस्पेक्टिंग की तरफ नहीं धकेलोगे ना, तो पर्सनल ग्रोथ बहुत होगी, प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे और चेक्स नहीं बढ़ेंगे। तो खाली पर्सनल ग्रोथ अगर काफी होती तो दुनिया के जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वही बड़े बड़े नेटवर्कर होते ना, वही इंडस्ट्री के टॉप अर्नर होते ना। यानी खाली बोलना, खाली पर्सनल ग्रोथ इनफ नहीं है, उसके साथ परफॉर्मेंस हमें चाहिए, और उसके लिए हम अगले 8 दिन डेडिकेट कर रहे हैं जूम होम मीटिंग को। आपको इनवाइट्स मिल जाएंगे, एडवांस में आपको इनवाइट्स मिल जाएंगे, आपको आगे आगे क्या करना है गाइडेंस मिलती चली जाएगी। पर 11 बजे का टाइम अपना फ्री रखिए, एज इट इज सिर्फ मंडे एक ही प्लेटफॉर्म पर छुट्टी होती है, उसके अलावा डेली बेसिस पर हम करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। कल एक ब्रेक हम ले रहे हैं, परसों 11 बजे हम आपको डेफिनेटली जूम मीटिंग का फर्स्ट सेशन, बिलीव मी, ये अगेन एक टर्निंग पॉइंट हमारे पूरे मोदी केयर नेटवर्क के लिए प्रूव होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इसको भी वैसे याद रखा जाएगा जैसे हमने लीप को याद रखा था। तो परसों 11 बजे डेफिनेटली हम मिलेंगे। अब मैं वो स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे करके जा रही है। पहली स्लाइड ये कहती है, ये स्लाइड आप लोगों ने बहुत देखी है, निशान भार्गव जी को अभी एक ग्रुप में इनवाइट किया गया था कि सर ट्रेनिंग करने के लिए आइए। निशान भार्गव जी ने इस बिजनेस की अपनी पहली पीपीटी बनाई, और उसपे जो खूबसूरत पहली मीन्स जो मैं बनाती हूँ उसको पीपीटी में कन्वर्ट जरूर करते हैं, ये सारा का सारा उनका खुद का ब्रेन चाइल्ड कैसे रहा। आइए चलते हैं क्या किया इन्होंने। ये स्लाइड हम सबने बहुत देखी है कि भैया करना क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, करना क्या होता है, पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना होता है, लुढ़क तो वो अपने आप जाता है। करना क्या होता है, पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना होता है, लुढ़क तो वो अपने आप ही जाता है। और आप देख रहे हैं कि एक पत्थर है, उसके नीचे एक इंसान है, और वो इंसान जो है वो उस पत्थर को लेकर के ऊपर चल रहा है। और मोमेंटम क्रिएट करना होता है, लगातार आगे बढ़ना होता है, धक्का देना होता है पत्थर को, चढ़ाने में जो भी मेहनत लगती है वो मेहनत करके एक बार चोटी पर पत्थर टिक जाता है, पहुंच जाता है, फिर लुढ़कने अपने आप लगता है और हम सबकी बॉल रोल डाउन करने लगती है, और फिर परमानेंट इनकम, पैसिव इनकम हमारी शुरू हो जाती है। स्लाइड आप सबने देखी है, इसका निशान भार्गव वर्जन मैं आपको दिखाने जा रही हूं, और बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देने जा रही हूं। और ये स्लाइड ये कहती है कि गलत है, हमारा सोचना गलत है कि वो जो धक्का दे रहा है वो हम है, जो धक्का दे रहा है वो हम नहीं है, जो पत्थर है ना वो हम हैं, जो धक्का दे रहा है वो तो हमारे ड्रीम है। जब तक हम
धक्का देंगे किसी पत्थर को तो वो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होगा, पर अगर हम बन गए और जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको उस पत्थर से बड़ा कर दिया, यानी हमसे बड़ा कर दिया, अगर ड्रीम को ताकत दे दी तो वो पत्थर पहाड़ पे चढ़ जाएगा। पर ये बात सच है, अगर पत्थर ने हाथ छोड़ दिए, जमीन छोड़ दी, पत्थर ड्रीम के ऊपर ही खाली बैठ गया, लटक गया, तो ड्रीम दब जाएगा। अगर पत्थर ने जमीन पकड़ी रही, पत्थर रोल होता रहा, मेहनत करता रहा, बेसिक पे लगा रहा और अपने सपनों को अपने से ज्यादा बड़ा कर दिया, तो वो सपने इस पत्थर को उठा करके चोटी पर आसानी से ले जाएंगे। तो जो मैसेज मेरा है आप लोगों के लिए, जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने सपनों को बड़ा करना है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी से आपको क्यों मिलाया गया? आपको ये बिलीफ आ जाने के लिए कि हाँ मोदी केयर में सक्सेस है, दूसरा ये मान लेने के लिए कि कोई भी कर सकता है, सब प्रोफाइल के लोग। और कमांडो ट्रेनिंग की सबसे बड़ी सक्सेस ये रही कि हमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हुए नजर आए, हमें हर कोई अच्छा काम बेटर देन द बेस्ट करता हुआ नजर आया, इसने बहुत हम सबको इंस्पायर किया है। तो अपने सपनों को अपने आप को उठाने दीजिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए, पर खुद को हल्का कीजिए। और हम हल्का तब महसूस करते हैं जब जो करना हो वो हम कर रहे होते हैं, जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं राइट डायरेक्शन में, जो हमें सिखाया जा रहा है सबमिशन के साथ, हम हल्का महसूस करते हैं, हमारे कदम 2 फीट जमीन से ऊपर होते हैं। और फिर जब हमें ड्रीम धक्का लगाते हैं तो फिर हम उड़ते 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 अपनी सफलता की तरफ जाते हैं। तो बस एक मेहनत खत्म हुई, अगली मेहनत की तैयारी है। परसों हम ठीक 11 बजे मिलेंगे, तब तक मेरे मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पर आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक फॉर्म भेज रही हूँ आज, मेरा आप सबसे अनुरोध है मैक्सिमम लोगों से ये फॉर्म फिल करवा दीजिए, आप सबका काम आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, मदद कीजिए हमें और लीप को स्ट्रॉन्गर बनाने में, इस फॉर्म को अपने ज्यादा से ज्यादा, हम उसमें लैंग्वेजेस तक मांग रहे हैं, कौन कन्नडा में कर सकता है, कौन तेलुगु में कर सकता है, कौन तमिल में कर सकता है, कौन बंगला में कर सकता है, मराठी में कर सकता है, गुजराती में कर सकता है, इंग्लिश में कर सकता है। हम लीप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आपकी और मदद करना चाहते हैं, इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कराइए, आपके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीप पर बात करने का मौका मिलेगा, अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। हम कमांडो बूट कैंप शुरू कर रहे हैं, अभी हम 8 दिन का होम मीटिंग शुरू कर रहे हैं, होम मीटिंग, जूम होम मीटिंग हम 8 दिन का सेशन करेंगे। फिर हम कमांडो बूट कैंप शुरू कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगी, जिसके प्रोटोकॉल आपको मिल जाएंगे, कमांडो गाइड आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, स्क्रिप्ट आपके हाथ में होगी, आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमांडो ट्रेनिंग करवा पाएंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन फ्लोट किया था हमारे जीबीडीज एंड अबो ग्रुप में कि किसको करनी चाहिए कमांडो ट्रेनिंग अपनी टीम में, क्या एक डायरेक्टर भी कमांडो ट्रेनिंग अपनी टीम लेकर के उतर आए? फर्स्ट सेशन कोई भी कर सकता है, ऑफ कोर्स आप सब इंडिपेंडेंट लीडर हो, आप अपनी अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग कर सकते हो, पर जो फर्स्ट सेशन अभी हम शुरू करेंगे, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं, 1 लाख प्लस अर्नर जो है, वो अपनी अपनी टीम की कमांडो ट्रेनिंग करें। हम एक सैंपल दिखाएंगे, हम एक दिन एक ट्रेनिंग करेंगे, सेम स्क्रिप्ट आपको मिली भी होगी, अगला दिन लीप पर कमांडो ट्रेनिंग नहीं होगी, सेम फर्स्ट डे आप अपनी टीम में रिपीट करोगे। अगर आपको लगता है आपकी टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले जो लोग हैं हमारे, आपको लगता है आपके पास ज्यादा लोग हैं, आपके पास 100 प्रेजेंटर है, 50 प्रेजेंटर है, या 50 लोग आगे आना चाहते हैं, आप एक की बजाय 2 कमांडो ट्रेनिंग करा सकते हो। तो हम कास्केड करेंगे, हम एक दिन सेशन करेंगे, आप अगले दिन सेशन करोगे, आप अगले दिन एक सेशन करना चाहो एक सेशन करो, 2 सेशन करना चाहो 3 सेशन करना चाहो, जितने सेशंस की आपकी अभी हम रिक्वायरमेंट बताएंगे कि एक कमांडो ट्रेनिंग में कितने लोग चाहिए होते हैं, अगर आपके पास उससे ज्यादा वॉलंटियर्स हैं आप एक से ज्यादा भी सेशन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम आपको गाइड करेंगे। मैंने आज एक और खूबसूरत बात आपको बताती हूँ दोस्तों अनिल गावड़े जी के बारे में। जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पर, मतलब मैं कहीं भी बोलने जाती हूँ, मेरे को आज मनीष अशला त्रिपाठी जी ने बुलाया या मुझे मुनीश चोपड़ा जी ने बुलाया, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं कॉल करती हूँ, कोई भी मुझे बुलाता है मैं कॉल करती हूँ, बताती हूँ बहुत अच्छा लगा तुम्हारे यहाँ आकर के ऐसा लगा, या जब भी कोई लीप प्लेटफॉर्म पर भी आता है मैं कॉल करती हूँ, बहुत अच्छा था ऐसा था। एक अनिल गावड़े जी ऐसे निकले जिन्होंने कभी मुझे कॉल करने का चांस ही नहीं दिया, इधर मैं मीटिंग एंड करती हूँ और इधर इनकी फोन की घंटी बज रही होती है, ठीक है मैडम कोई कोई है ना, कुछ है, कुछ करेक्शन है, इसको कहते हैं हम्बल होना। और एक बात और बताती हूँ, मैंने इनको कल मैसेज डाला, सुबह मैंने मैसेज डाला कि हमें है ना ये कमांडो गाइड, कमांडो ट्रेनिंग गाइड बनानी है, पता है कॉल करके क्या कहते हैं, मैडम मैं आपका सिपाही हूँ, जो भी आप कहते हो वो सब हो जाएगा। एक कमांडो फाउंडर ऑफ कमांडो ट्रेनिंग कहता है मैं आपका सिपाही हूँ। तो हमें बहुत बड़ा बनना है और जमीन पर रहना है, हम्बल रहना है, ये बहुत बड़ी बात है जो अनिल गावड़े सर से सीखी जा सकती है। तो मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका लीप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए और उन ड्रीम्स के लिए कुछ भी कर जाने के लिए। वक्त आपका है, आने वाला कल आपका है, फ्यूचर आपका है, सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू।